गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है 4, बस बजने वाले हैं 4। तो हम लोग जा रहे हैं मुंगौड़ा बनाने तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ और अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आप इतनी चटपटी चीज़ बनाने जा रहे हैं और आपको ना दिखाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपके मुंह में पानी ना आए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग ना कमेंट के थ्रू बताते भी हो कि ओ दी देख करके तो मुँह में पानी आ गया। तो वैसे तो इस टाइम पर सब लोग अच्छा अच्छा बना खा रहे हैं, बट अच्छा अच्छा दिखाना हमारा भी कर्तव्य बनता है। आप लोग के मुंह में पानी लाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो बस मुंगौड़ा बनाने जा रहे हैं, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और मेरा वीडियो भी अभी से स्टार्ट हो गया है। और अगेन मैंने आज ये येलो साड़ी पहन ली, क्योंकि आप लोग को मेरे ऊपर येलो कलर इतना अच्छा लग गया कि मैंने सोचा चलो मैं आप लोग को येलो कलर दिखा दिखा के बोर ही कर देती हूँ। तो चलो हम लोग बनाते हैं अपना मुंगौड़ा और मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या क्या हम लोग मिक्स कर रहे हैं। वैसे तो एक बार रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैंने दिखाया था, बट कोई नहीं, आज फिर दिखा देते हैं। तो चलो, तो ये है हमारा मूंग दाल का पेस्ट जिससे बनाएंगे हम लोग गर्मा गर्म मुंगौड़े। तो ये पेस्ट है और बिना छिलके वाली थी इसलिए ये येलो येलो दिख रही है। और ये ताज़ा मसाला है हमारा जो अभी मिलाया जाएगा इसमें। और ये बगल से चटनी रखी हुई है, तो चटनी हमने कच्चे टमाटर की बनाई हुई है तो इसलिए हरी हरी दिख रही है। तो अभी हम लोग बनाएंगे इससे मुंगौड़ा। तो अभी हम लोगों ने मुंगौड़ा बनाना स्टार्ट भी कर दिया है और ये आप लोग देख सकते हो माँ तोड़ रही हैं और मैं निकालूंगी, तो दोनों लोग मिल करके बना रहे हैं और माँ इनको देखती भी जा रही हैं कि खाना है तुमको, क्योंकि पूरी नज़र इनकी कढ़ाई में ही लगी हुई है। सो बस अभी मैं निकाल दूंगी और सबसे पहले इनको ही दे दूंगी, क्योंकि ये खड़े हैं यहीं पर तो इनको ही पहले खिलाएंगे। और कितना अच्छा लग रहा है ना, माँ तोड़ती जा रही हैं और मैं निकालती जा रही हूँ। तो बहुत मतलब होता है ना कि कभी 2-4 दिन बाद ही ऐसा टाइम आता है जब साथ में मिल करके बनाते हैं, वरना क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी ना तो रोज़ तो ये ऐसे नुकसान वाली चीज़ें नहीं बना सकते हैं, तो कभी कभी ही बनाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो गर्मा गर्म मुंगौड़े तैयार हो रहे हैं और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इनको देख करके, मुझे पता है बहुत लोगों के मुंह में आने वाला है। तो ये होता ही इतना यम्मी होता है, मुझे तो मतलब बहुत पसंद है। और बट मैंने आज नहीं मुंगौड़ा खाया है, मैं चीला बना करके खाई हूँ। वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ मैंने चीला बना करके खाया, क्योंकि इतना ज़्यादा फालतू की चीज़ें हो रही हैं ना कि अब मतलब नहीं, इतना नहीं मैं अब खा सकती हूँ। पिछले 1.5 महीने से खाए जा रहे हैं, जाने खुद का भी तो फिटनेस का ख्याल रखना है। तो आप लोग देख सकते हो हरी हरी चटनी और गर्मा गर्म मुंगौड़े तैयार है, जल्दी जल्दी आ जाओ जिस जिसको खाना हो। एंड अभी मैं बेसन का पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि मुंगौड़ा तो बने ही है बट साथ में पकौड़ी भी बनेंगी। सासू माँ आज एकदम फुल पार्टी देने के मूड में हैं, तो सासू माँ ने आज बहुत भयंकर वाली पार्टी सबको दी है। किसी का मतलब कुछ भी नहीं पता था कि क्या बनने वाला है। उन्होंने दोपहर में दाल भिगो दी थी, जब हम नीचे आए तो पता चला मुंगौड़ा बनने वाला है, और अभी रैंडम प्लान बन गया कि चलो बेसन की पकौड़ी भी बनाया जाता है, क्योंकि मुंगौड़ा इतना ज़्यादा नहीं था सब लोग पेट पेट भर के खा पाएं। तो इसलिए फिर ये हुआ कि चलो बेसन की पकौड़ी भी साथ में बनती जाएंगी। तो अभी मैं बेसन का पेस्ट बना रही हूँ और इसके बाद फिर पकौड़ी भी बनती जाएंगी, मुंगौड़ा भी बनता जाएगा। और देखो मैं ऐसे ऐसे करके ना देख रही थी कि ये इसको कितना गाढ़ा रखना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी गाढ़े पेस्ट की पकौड़ी बनाते हैं, हम लोग इतना गाढ़ा नहीं रखते हैं, थोड़ा सा पतला ही रखते हैं, तो ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। बट यहाँ सब ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट ही रखते हैं बेसन का, तो वही मैं माँ से पूछ रही थी कि इतना गाढ़ा रखूं। और अभी देखो सबके लिए मुंगौड़ा और पकौड़ी बना है, बट मैं अपने लिए बना रही हूँ चीला। तो हम नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आप मतलब एक महीना हो गया है, बहुत फालतू की चीजें यहाँ खा ली हैं। अभी थोड़ा सा अपने रूटीन पे आना है, पता नहीं कितने दिन रहना पड़े, तो अभी अपने रूटीन पे भी आना है। तो पूरा का पूरा इतना ज्यादा मैं डीप फ्राइड नहीं खाने वाली हूँ, थोड़ा सा कुछ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ चीला। और सच बताऊँ तो मुझे मुंगौड़ा से ज़्यादा मुझे चीला पसंद है। और यहाँ थोड़ा सा ना इस किचन में लाइट वाला इशू रहता है, तो ज़्यादा क्लियर नहीं आता है। और देखो मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है। तो वो तो सबको पता है गर्मी पड़ने लगी है। अभी मैं बना लेती
करती हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग से बातें करती हूँ। और अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी घूमी घूमी कर लेते हैं। देखो बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो क्या करें बेचारे, लॉकडाउन में इतना परेशान हो गए हैं। देखो हमारा गांव, तो ये गांव ही है, इसको कस्बा नहीं बोलेंगे, गांव ही है ये, स्मॉल टाउन मतलब मेन कुंडा है जो नया कुंडा, ये पुराना कुंडा गांव ही है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, मैं कितनी बार बोल चुकी है बहुत अच्छी हवा चल रही है। और देखो अगेन धुआं, तो धुआं मुझे लग रहा है ये शाम को रोज जलाया ही जाता है यहाँ, है ना, दिखा ना। और देखो कितनी ज्यादा हवा चल रही है कि मेरे बाल एक जगह संभल कर नहीं रह रहे हैं। गेहूं धुले गए हैं जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था कि धुले जाएंगे, तो ये देखो सूख रहे हैं गेहूं ऐसे कपड़े में डालकर। सो गेहूं सूख रहे हैं, और क्या बोल रही थी, हाँ अभी दोपहर में धुल, क्योंकि कल जो मैंने मतलब दिखाया था ना उसमें नहीं धुले गए थे क्योंकि लाइट चली गई थी तो पानी नहीं आ रहा था इस वजह से, तो फिर आज धुला गया है, तो अभी सूखा नहीं है पूरी तरह से, तो इसको सुखाएंगे दो तीन दिन, इसको सुखाएंगे दो तीन दिन या एक दिन, पता नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है। और ये देखो जो हमारे ग्राउंड में नीम का पेड़ लगा हुआ उसमें कितने बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े तीन छत्ते लगे हैं, और शहद बिल्कुल नहीं निकलवाई जाती है इसमें, शहद नहीं निकालते हैं, बस ये लगा रहता है और कोई छेड़खानी नहीं इनसे करता है, तो लगी रहती है, किसी को परेशान भी नहीं करती हैं, बट बहुत बड़े बड़े छत्ते लगे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये मधुमक्खी का छत्ता ही दिख रहा है। और अभी मैं आप लोग को ग्रीनरी दिखा देती हूँ, तो ये देखो हमारे छत से ये ग्रीनरी है, तो ये हमारा ही नीम का पेड़ है, अंदर ही हमारे लगा हुआ है, तो ये देखो ये नीम का पेड़ हमारे अंदर ही लगा हुआ है, और बहुत बड़ा सा पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है, तो आप लोग समझ सकते हो ना, हम लोग छत पे खड़े हुए उसके ऊपर भी ये पेड़ गया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा है, और कितनी अच्छी लग रही है ना ग्रीनरी। और अगेन मैं आप लोग को मधुमक्खी का छत्ता दिखा रही हूँ, तो मैंने इसको जूम कर दिया, इतनी पास से नहीं दिखती है, बट मैंने अपने फोन में इसको जूम कर दिया था इस वजह से दिख रहा है, और तीन छत्ते लगे हुए हैं सच में, मतलब काफी डर भी लगता है यार कि कहीं उड़ करके काट न ले, बट परेशान नहीं किया जाता उनको ना, तो वो भी किसी को नहीं परेशान करती हैं, लगी हैं, बट बहुत लोग बोलते हैं कि इनका शहद निकलवाओ तोड़वाओ, बट कोई इनसे छेड़खानी नहीं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 नहीं मतलब 6:30 हो गए हैं, धूप प्रॉपर निकल आई है, तो वैसे भी आजकल सुबह धूप जल्दी आ जाती है, तो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और साड़ी आप लोगों को मेरी चेंज इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैंने एक दिन का बीच में गैप ले लिया था, मुझे मतलब याद ही नहीं थी बिल्कुल भी कि मैंने अपने उस वीडियो का एंड तो करा ही नहीं है, तो आज मुझे अपलोड करना था वीडियो को, तब मुझे दिखा कि यार मैंने वीडियो तो अपना एंड ही नहीं किया हुआ है, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं एंड कर देती हूँ, झाड़ू पोछा मुझे करना ही है। सो आज मैं, कल ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया हुआ था, तो इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी ना, और डस्ट का तो आप लोग जानते ही हो कितना मुझे दुख रोना है, यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो बस सीढ़ियों में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी, तो वही मैं लगा रही हूँ और अभी पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, आप लोग से थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ वॉइस ओवर के थ्रू, क्योंकि फेस में रह करके बातें तो बहुत करती हूँ बट ऐसे काफी कम ही बातें करती हूँ, तो चलो आज ऐसे ही आप लोग से बातें कर लेती हूँ। सो अभी मेरी सीढ़ियों में झाड़ू लग गया है, तो अब मैं अपने रूम में भी लगा लूंगी, और मैं इतनी
धीरे धीरे प्यार से इसलिए लगा रही हूँ ना झाड़ू, ताकि डस्ट ज्यादा उड़ करके मेरे फेस में, मेरी नाक के अंदर ना जाए, क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत दिक्कत है। मुझे छींके आने लगती हैं। किस किस के साथ दिक्कत होती है डस्ट वाली? मुझे तो बहुत छींके आती हैं।